अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो है टू स्टाइल्स ऑफ ब्रेकफास्ट। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल सो गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर अमेजिंग रेसिपी। स्टे ट्यून्ड। जो फर्स्ट रेसिपी है ब्रेकफास्ट की वो है डोमिनो स्टाइल। हाँ जी, तो आपको हम जो पहले इंग्रेडिएंट्स बताए थे उनको मिक्स करने के बाद आपने एक ब्रेड लेना है और उसके ऊपर इस मिक्सचर को स्प्रेड कर देना है। अच्छी तरह से हर जगह स्प्रेड करना ताकि हर बाइट में इसका फ्लेवर आए। हाँ जी, तो ये मिक्सचर लग गया है। अब जो दूसरा ब्रेड होगा उसमें अपने चीज रखनी है। आपके पास अगर क्रश चीज है तो फिर आप उसको जितना आपको पसंद है वो डाल दें। अगर आपके पास स्लाइसिस में है तो आप दो स्लाइसेस डाल दें, मतलब रख दें उसके ऊपर। रखने के बाद आपने एक पैन पे उसको जिस साइड पे आपने वो लगाया था स्प्रेड लगाया था मिक्सचर लगाया था उसको नीचे रखना है। और उसके बाद जो ऊपर वाली टॉप वाली खाली जगह होगी जो जिस पे हम जिस ब्रेड पे हमने चीज लगाई थी वो वाली जगह पे टॉप पे हमने दोबारा से फिर जो स्प्रेड बनाया था वो लगा देना है। एक साइड पर डालने के बाद आपने इसको 2-3 मिनट्स के बाद टर्न कर देना और इसको इतना पकाना कि क्रिस्पी हो जाए और ये जो चीज है वो मेल्ट हो जाए। इसी फॉर्मूला से आपने इन सब ब्रेड्स को जितने भी आपने बनाना है उनको प्रिपेयर करना है और उनको फिर बनाना है। हाँ जी, तो ये है फाइनल लुक। इसके बाद चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। ये जो है ब्रेकफास्ट वाली रेसिपी, इसमें आपको कैप्सिकम चाहिए, कैरेट चाहिए और टोमेटो चाहिए। इन वेजिटेबल्स को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हाँ जी, अब आपने एग वाला मिक्सचर रेडी कर लिया। उसके बाद आपने ब्रेड लेना है, उसको आपने स्क्वायर शेप में मिडल से काटना है, ध्यान से कटेगा स्क्वायर शेप में।
ये जी स्क्वायर शेप में कट गया। उसके बाद इसको अंदर से ब्रेड को निकाल लेना है। एग वाला मिक्सचर और ब्रेड को काटने के बाद आपने एक खाली पैन जो होगा उस पर अपने ब्रेड का जो कटा हुआ हिस्सा है ना वो रखना है, मतलब अंदर से जो स्क्वायर शेप नहीं है वो वाला फ्रेम जिसको हम कह सकें। और उसके बाद आपने इसके अंदर एग डाल देना है, उतना डालेगा कि बाहर निकले भी ना और उसके अंदर अंदर रहे। एग डालने के बाद आपने इसको ढक्कन ढक देना है मतलब, और उसके बाद फूल पलटाना नहीं, आहिस्ता आहिस्ता से करना नहीं चाहिए ताकि वो खराब ना हो। जब आपको लगे ये नीचे से हल्का हल्का सा पक गया उसके ऊपर आपने एक चीज का स्लाइस रख देना, और उसके बाद जो कटा हुआ बाकी ब्रेड रह गया था उस चीज की उस स्लाइस के ऊपर रख देना। उसके बाद फिर इसको आपने ढक्कन दे देना, और ढक्कन देने के बाद इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स को स्प्रेड कर लें या ओरिगानो जो भी आपको पसंद है, और उसके बाद जब ये पक जाए काट लें मिडल से, या नहीं भी काटना हो उसको फिर सर्व करें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इस रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना मत भूलिएगा, उसका नेम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए जी, मिलती हूँ एक नेक्स्ट अमेजिंग सी वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।